किया जा रहा है और ये टनल एक दिन कोलैप्स हो सकता है। अभी तो फिलहाल कोलैप्स नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे कट एंड कवर टनल रहने वाला है अपना। बढ़िया बढ़िया। और ना ये सबसे तो गाइस अभी टनल के पास जाने से वाली भी हम चलेंगे कुछ ही देर में कैफेटेरिया में। यहाँ थोड़ी सी मैं छोटी सी अपडेट देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाओ। मेरे को आज से नहीं कह रहे थे, मेरे को एक वीक से कह रहे हैं, लगातार कॉल्स भी आ रही थी कि वहाँ पे वीडियो बनाओ। मैंने खुद ही नहीं बनाई जाके वीडियो वहाँ पे, बट अब काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो एक बार मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर करो और बात कर लें कैफेटेरिया मिहार टनल की, और काफ़ी ज़्यादा बातें हम नीचे जाके भी करेंगे वहाँ पे पहुँच के। बाकी छोटी मोटी बात बता दूँ मैं, और हो सकता है हमारी यूट्यूब की लास्ट वीडियो और फेसबुक की भी लास्ट वीडियो वो क्यों होगी, क्योंकि अभी फेसबुक पे ना जो है मोनेटाइजेशन बंद है, यानी कि इनकम से फेसबुक से तो कोई इनकम नहीं आ रही है, यूट्यूब से आ रही है बट वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इतनी नहीं है कि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियोज़ डालें, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया फेसबुक पे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है, बट इनफ नहीं है। इंसान की लालच बढ़ती जाती है ना दिन ब दिन, तो हमारी भी बढ़ रही है, बट जितना प्यार आ रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो हमारा हेलमेट का वाइज़र है ना, वो भी लास्ट टाइम हमारा टूट के, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका फ्रंट वाला मिरर टूट गया, और इसके यहाँ पे जो क्लिप है जहाँ पे होल्ड होता है वो भी टूट गया, और ये लगभग 1000 का, और ये भी 300-500 रुपये का मिलेगा, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि जम्मू वाली साइड में मिलेगा। मैंने बताया कि हो सकता है लास्ट वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा फैंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। देखते हैं आगे वाली वीडियोज़ अब डालें या नहीं डालें, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अब मेरा मन तो नहीं है कि और भी वीडियोज़ डालने का, होप शायद से हो सकता है ये लास्ट वीडियो। बाकी हम बात कर लें, जैसे मैं बता रहा था कि टनल के दो साइड आ जाती ना, और जो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, अब हम टनल की बात करते हैं। टनल का काम लगभग 10 दिनों से रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? जैसे कि लोगों का कहना था कि वहाँ पे क्रैक्स आ चुके हैं, बट और क्रैक्स नहीं आए हैं, क्योंकि जब ऑफिशियल एक टीम आई थी NHAI की, हाईवे वाली टीम आई थी, उन्हें जाके देखा वहाँ पे, तो उनका कहना है कि क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, जो टनल के दीवारें होती है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि टनल कभी भी कोलैप्स हो सकता है। प्रेशर एंड बल्जेस देखे गए हैं, यानी कि लगभग जब आप पोर्टल फर्स्ट से जाते हैं ना, यानी कि मिहार वाली साइड से अंदर आते हैं, तो लगभग 150 मीटर के करीब पे प्रेशर एंड बल्जेस देखे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे टनल की शेप से ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कभी भी वो घिर सकता है। बाकी क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं जैसे कि ऑफिशियल टीम ने कहा है, और लगभग जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़ के उनने एक आर्टिकल में दिया हुआ था, उनने कहा था कि 800 मीटर का टनल है, बट मुझे लगता है 880 मीटर का था, चलो उन्हें 800 मीटर लिखा है कोई बात नहीं, बट उन्हें लिखा कि 400 मीटर के करीब काम हो चुका था, जो कि पोर्टल फर्स्ट से हुआ था। पोर्टल सेकंड जो आता है कैफेटेरिया वाली साइड से आता है, जिसका काम काफ़ी ज़्यादा, मतलब यानी जून से बंद था, इसी ईयर जून से बंद था, क्योंकि वहाँ पे भी कोलैप्स हो गया था। और मैं सच्ची बताऊँ, जब जून में कोलैप्स हुआ था ना, तब हम टनल के जहाँ पे लोग वगैरह काम करते थे, उनका कहना था कि टनल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह वो अच्छा यूज़ नहीं किया जा रहा है, और कुछ ठेकेदारों को लेके कंप्लेन थी, कुछ कंपनीज को लेके कंप्लेन थी, बट वो सब हमारा काम नहीं है, वो सब जो हमारा नेशनल लेवल का मीडिया है उनका काम है, अगर वो नहीं दिखाते हैं तो हम कौन होते हैं दिखाने वाले। तो बाकी यही कहना था। और जब हम काफ़ी ज़्यादा लोगों, आपने देखा होगा ना, मिहार कैफेटेरिया टनल के अंदर की वीडियो भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो इसी वजह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तब भी जो टनल के अंदर लोग काम कर रहे थे, उनकी कंप्लेन थी कि टनल के अंदर मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया जा रहा, अच्छे से काम नहीं हो रहा है, बट तब भी काम नहीं रोका गया, तब भी काम कंटिन्यू चल रहा था। और अभी पिछले 10 दिन से काम रोक दिया गया, जितनी भी मशीनरी थी वो सब टनल से बाहर निकाल दी गई, और जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे, जो कि अंदर वाले टनल के अंदर काम करते, एक तो कट एंड कवर टनल जा रहा है ना बाहर से, वो अभी कर रहे हैं, बट जो अंदर वाले टनल में काम करते थे उनको छुट्टी मिल गई, वो अभी घर पर हैं, और अभी उनका नहीं पता कि उन्हें वापस आना या नहीं आना। बाकी हम टनल की बात कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए काम बंद है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लाईओवर बनेगा, बट अभी नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये जो टनल का वर्क है अभी कंटिन्यू करें थोड़े टाइम बाद, कुछ और मेथड यूज़ किया जाए, जैसे कि रेलवे टनल में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उसमें कुछ नया वाला कुछ एक मेथड होता है जो इंजीनियर भाई होंगे उनको पता होगा, तो वाला यूज़ कर सकते हैं। अभी हाईवे की टीम आ रही है, अलग अलग टीम्स आ रही हैं, और अभी और भी टीम्स आएंगी, वो जाँच करेंगी। बाकी हम नीचे चल के बात करते हैं, और बाकी आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि हमको वीडियोज़ डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। फिलहाल तो अब हम नहीं डालने वाले, अपना तो मतलब हो गया जितना भी था, हाँ कुछ टाइम के बाद हो सकता है फिर से डालें, बट फिलहाल के लिए अभी कोई मूड नहीं है। बट अब चलते हैं आपके लिए इसे एक बार कैफेटेरिया मिहाड़ वाली साइड। और भाई लोग की वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अब काफ़ी ज़्यादा कुछ रहने वाले, क्योंकि हम साइड पर जाने वाले हैं, और कमेंट ज़रूर करना कि हमको वीडियोज़ डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए प्लीज़, क्योंकि जैसे मैंने बताया फेसबुक से तो इनकम नहीं आ रही है, और हम तो जो भी है सब मैक्सिमम जेब से ही लगा रहे हैं। यूट्यूब से आ रही है, बट यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बट यूट्यूब पे भी आता है, बट
इनफ नहीं है ना लालच बढ़ती है इंसान की, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइस अभी हमें रामबन बस स्टैंड वाली साइड कैफेटेरिया यहाँ से आगे आ जाता है। तो यहाँ पे भी रिसेंटली ब्लैक टॉपिंग हुई है और रोड अभी फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ अंदर पे बस स्टैंड का काम चल रहा है, सो कि मल्टी स्टोरी बस स्टैंड रामबन रहने वाला है। उम्मीद है कि 2024 में कंप्लीट हो जाए। और जा रहे आगे कैफेटेरिया के लिए। और भाई कैफेटेरिया पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं भाई फेसबुक पे, और काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है कश्मीर से, और उन्हीं भाइयों के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद नहीं थी ना कश्मीर से लोग इतना ज़्यादा प्यार कर देंगे, बट दे रहे हैं अब तो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, बस यहाँ से सामने आ जाता है, इस जगह को भी कैफेटेरिया ही बोलते हैं वैसे तो। और यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लाईओवर। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट वर्थ है देखना, पूरी देखें, क्योंकि जितना जितना वीडियो के एंड में उतना इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ से स्टार्ट होता है रामबन फ्लाईओवर। रामबन का दूसरा नाम है डस्ट, तीसरा नाम है पत्थर। चौथा नाम आपको दे दो। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये आ जाता है पोर्टल सैकेट जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि काफी समय पहले का डैमेज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाता है पोर्टल सेकंड शायद है, जहाँ तक मैं सही हूँ। पोर्टल फर्स्ट तो आगे वाली साइड आता है, और ये आ जाता है पोर्टल सेकंड, जो कि पहले का डैमेज है। और ये देख सकते हैं, इसमें मैं पहले भी वीडियोस लेके आया हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो वो वाली ज़रूर देख लें। ये P2 आता है, इसका काम ना जून में बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कोलैप्स हो गया था बीच में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वेस्ट हो गया। और यहाँ आगे चलते हैं, आगे वाली साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सरिया वगैरह डाला गया है। ये देख सकते हैं, ये जो कटन का मटेरियल बन रहा था ना यहाँ पे, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो गया है, और बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट मतलब कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डैमेज है, और वहाँ पे आगे स्टील ना अभी भी पत्थर चलते हैं, तो वहाँ पे ध्यान से जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यार। ये देख सकते हैं अभी JCB लगी है ना यहाँ पे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर चलते हैं, स्टिल अभी भी चल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं JCB मटेरियल क्लियर कर रही है, और स्टिल ऊपर से और पत्थर भी आ रहे हैं लगे हुए है, क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से कट एंड कवर टनल का अच्छा काम शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पूरा रहने वाला है कट एंड कवर टनल, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बढ़िया काम हो चुका है ना कट एंड कवर टनल का, और कट एंड कवर टनल का काम रुका नहीं है, जो इसके साथ में अंदर से एक टनल जा रहा है ना, उसका काम रुक चुका है। और जैसा कि मैंने कुछ जानकारी दी थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अब शायद से आगे से फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अंदर वाले टनल भी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। बट अभी कन्फर्म नहीं है, हाईवे की ऑफिशियल टीम ने कन्फर्म नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हमको कुछ ऐसे कोई क्रैक्स देखने को नहीं मिले हैं जिससे कि काम बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। हाँ अभी फ़िलहाल के लिए काम सस्पेंड है, बट हो सकता है आगे जाके कंटिन्यू कर दिया जाए। तो अभी ये देख सकते हैं कट एंड कवर टनल मेरे साथ में जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मीटर्स तक इसका बढ़िया काम हो चुका है, कट एंड कवर टनल जो बाहर से रहने वाला है। कई बार इसकी भी साइड वॉल डैमेज हुई है, बट स्टिल काम चल रहा है इसका। ये देख सकते हैं, ये रहने वाला है कट एंड कवर टनल। उस पूरी वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कट एंड कवर टनल का काम दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, अगर रुक रुक के दिखाने लगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी। और ये जो कट एंड कवर टनल का काम है, ये देख सकते हैं यहाँ जाके फिर से कंटिन्यू होता है, और स्टिल काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है कट एंड कवर टनल का। बाकी जो अंदर वाला टनल है यार, वो तो जैसे कि इस साइड से लगभग 400 मीटर तक अंदर तक खोद दिया गया ना,
और चार यहाँ से अंदर जैसे आप 150 मीटर के करीब जाते हैं वहाँ पे प्रेशर बल्जेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि साइड वॉल्स ऐसे देखने को मिल लगता है कि टनल कभी भी घिर सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे काम रोक दिया गया था। बट ये जो चीज़ है ना, ये लोग काफ़ी 3-4-5-6 महीने से कंप्लेन कर रहे थे, बट तब काम को नहीं रोका गया। काम को कब रोका गया? अभी 10 दिन पहले। तो अगर इनको पता ही था तो इनने तब काम को क्यों नहीं रोका गया? तब मतलब क्या सोच के फिर काम कर रहे थे? तो अभी फ़िलहाल के लिए जो पोर्टल 1 है, P1, वो यहाँ से निकलती है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये आ जाती है पोर्टल 1, जहाँ पे भी टनल का काम जो है रोक दिया गया। तो यहाँ से हम चलेंगे वापस, मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इस पोर्टल 1 के सामने से ब्रिज भी पहले का ही रेडी कर दिया गया है, जो कि आज का रेडी नहीं किया, ये भी काफ़ी पहले का रेडी किया। और यहाँ पे रोड की हालत तो हमेशा से ही खस्ता रही है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न और फिर आपको दिखाता हूँ और बाकी की बातें करते हैं। तो गाइज ये रहता है पोर्टल 1 जो कि आपके सामने है, इसके अंदर जाना आप तो मतलब अपनी मौत को इनवाइट करना है, और इसी वजह से इसका काम भी रोका गया। और ये साथ में नीचे देखने को मिलता है चनाब, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा हम फ़ोन में शूट करते हैं फिर हम कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे ना इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, और कई कहने लगे कि ठेकेदार ऐसे हैं, अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पे काम कर रहे थे वर्कर्स, उनका भी पहले से खुद ही कंप्लेन थी कि मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया जा रहा, और ये टनल एक दिन कोलैप्स हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल कोलैप्स नहीं हुआ है, और पिछले लास्ट ईयर में भी कोलैप्स हुआ था खूनी नाला वाली साइड, जहाँ पे कई लोगों की जान गई थी लगभग 10 के करीब। तो इसलिए इस काम को अभी पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर हाईवे की टीम जैसे अभी जांच करने आ रही है ना, तो पहले हाईवे की टीम्स कहाँ पे थी? जब वर्कर्स को इतना लग रहा था तो हाईवे के ऑफिशल्स पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे जांच करने में? तो अच्छी बात ही है कि अभी काम रोक दिया गया, बट जल्दी अंदर काम कंटिन्यू होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें और भी मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। तो बाकी ये कट एंड कवर टनल रहने वाला है साथ में, ये देख सकते हैं। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ये अभी हम शूट कर रहे हैं 19 दिसंबर को। तो ये आज की वीडियो और मैं आज ही डाल दूंगा, आज दिन की वीडियो, और अभी कोशिश करूंगा कुछ ही देर में इसको डाल दिया जाए। बाकी ये देख सकते हैं कट एंड कवर टनल जा रहा है साथ साथ में, ये देख सकते हैं कट एंड कवर टनल का बढ़िया काम हुआ। जो अंदर वाला था उसका भी 400 मीटर तक खोद दिया था, बट पता नहीं जब पहले से ही प्रेशर और बल्जेस देखने को मिल रहे थे 150 मीटर के करीब, तो अंदर फिर काम कंटिन्यू क्यों करते गए? और जब थोड़ा ज़्यादा लगने लगा उनको तब जाके इनने काम रोका, तो पहले ही काम क्यों नहीं रोका गया था? तो वो एक चीज़ भी है। और बट जो हाईवे की टीम आई थी उनने कहा कि हमको कोई क्रैक्स वगैरह देखने को नहीं मिले, खाली प्रेशर बल्जेस देखने को मिले थे, यानी कि जो साइड वॉल्स पे टनल की 150 मीटर के करीब। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर से काम शुरू हो सकता है। बाकी यहाँ पे कट एंड कवर टनल रहने वाला है अपना, बढ़िया बढ़िया। और ना ये सबसे, मुझे लगता है ना, सबसे ज़रूरी टनल और सबसे ज़रूरी यही वाली साइड है, यही वाली रोड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो और कुछ काम नहीं हो सकता ना। बाकी जैसे टनल हैं डिगडियोल वाले टनल, उनका भी काम चल रहा है, बट उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को तो ये वाला टनल लगता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये देख सकते हैं अभी भी ऊपर से पत्थर चल रहे हैं। तो यहाँ से भागते हैं जल्दी भाई, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप खुद ही देख सकते हैं साइड पे कट एंड कवर टनल की वॉल पूरी डैमेज हुई थी, तो इस वाली साइड में क्या सोल्यूशन निकालेंगे वो भी देखना पड़ेगा। पता नहीं यार ये हाईवे वाले
थोड़े से ढीले हैं सोए हुए। यहाँ पे भाई एक टीम है हाईवे की, ये भी कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हाईवे की टीम है और ये भी कुछ देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया यार। बस खाली मेरे को एक ही चीज़ से दिक्कत, अगर जब वर्कर्स कह रहे थे कि अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा है और टनल को कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी उस पर आगे आने वाले टाइम में, पहले लोग कह रहे थे 5-6 महीने पहले कह रहे थे कि साइड पे बल्जेस देखने को मिल रहे हैं, क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो तब काम को क्यों नहीं रोका गया, एक चीज़ थी। तो अब भी क्यों 10-15 दिन जब मतलब थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिला तब जाके काम रोका, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। बाकी यही थी गाइस छोटी सी वीडियो, बाकी यही था, काफ़ी ज़्यादा लोकल लोग ही इसमें काम कर रहे हैं तो कोई नहीं चाहता है कि लोकल लोगों की जान को खतरा हो। और अभी काम रुक गया है तो काफ़ी सारे लोग घर पे भी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं फिर से जब काम शुरू हो, चाहे इसी का शुरू हो, चाहे कोई नया ब्रिज वगैरह फ्लाईओवर बनाया जाए, तो उसमें ज़रूर उनको काम भी दिया जाए। और मज़ा तब आएगा जब थोड़ी इंटरनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, अगर वो काम को पकड़ती हैं तो फिर हो सकता है काम थोड़ा यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे वाली साइड से जाता है रामन फ्लाईओवर, जिसको मैंने वीडियोस में पहले भी दिखाया हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये हमारी लास्ट वीडियो हो और कुछ टाइम तक वीडियो नहीं आए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।